Hi, good to see all of you. This is Priyanka once again and welcome back to my channel Spirelink Tutorials. So in this video today we are going to discuss class 9 chapter number 10 circles question number 3 of exercise 10.3. If two circles intersect at two points, prove that their centers lie on the perpendicular bisector of the common chord. Question हमारे सामने है. Question में कह रहा है कि दो circles हैं आपके. You have two circles और दोनों ही टू पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो देखते हैं वो टू पॉइंट्स हैं हमारे यहाँ पर ए एंड बी. तो हमें प्रूव करना है कि उनके जो सेंटर्स हैं, तो फर्स्ट सर्किल का सेंटर है आपका ओ और सेकंड सर्किल का सेंटर है ओ डैश. तो उनके जो सेंटर्स हैं वो लाई करेंगे कहाँ पर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोर्ड. तो इन दोनों सर्किल्स की एक कॉमन कोर्ड होगी, ड्रॉ कर लेते हैं. So, हमने एबी को यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है और एबी को हमने जब ज्वाइन किया है तो हम देख रहे हैं कि एबी जो है वो इस सर्किल की भी कोर्ड है और एबी इस सर्किल की भी कोर्ड है. इट मींस एबी हमारी कॉमन कोर्ड है. तो एबी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, तो ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. लाइक दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है आपका, तो ये दोनों सेंटर्स जो हैं ओ एंड ओ डैश ये इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है क्या है? अगर ये बाइसेक्टर है इट मींस इसने कोर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. तो एम मिड पॉइंट है आपका, इट मींस ए एन जो है वो बी एन के बराबर है. एंड सेकेंड थिंग, ये परपेंडिकुलर है, इट मीन्स ये जो एंगल है ये एंगल है हमारा 90 डिग्री का. तो इस क्वेश्चन में हमें प्रूव क्या करना है? दैट ओ एंड ओ डैश लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. या हम कह सकते हैं ओ एंड ओ डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. टू प्रूव ओ ओ डैश is the perpendicular bisector of AB. और अगर ये perpendicular bisector है it means दो चीजें यहां हमें प्रूव करनी है. फर्स्ट वन इज AM is equals to BM एंड सेकेंड वन इज एंगल OMA या फिर एंगल AMO कुछ भी लिख सकते हैं. एंगल ए एम ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो इसको प्रूव करने के लिए अगेन हम छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे अपने फिगर में. ए से लेकर के आप ओ को ज्वाइन कर दीजिए. सिमिलरली ए से ओ डैश, अगेन ओ डैश टू बी एंड देन ओ टू बी. ये हमने यहां पर ज्वाइन कर दिए हैं और अब हम ट्राइंगल्स की बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक ट्राइंगल ए ओ ओ डैश एंड बी ओ ओ डैश. लिख देते हैं इन ट्राइंगल ए ओ ओ डैश एंड ट्राइंगल बी ओ ओ डैश. और इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करते हैं. सो ए ओ ओ डैश और बी ओ ओ डैश में हम देख रहे हैं दैट ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, क्योंकि दोनों ही इस वाले सर्किल की रेडियस हैं. तो ओ ए जो है वो ओ बी के बराबर है, रेडियस ऑफ सर्कल. एंड दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड देखते हैं ए ओ डैश एंड बी ओ डैश इज अगेन इक्वल, क्योंकि वो इस वाले सर्किल की रेडियस हैं. सो ओ डैश ए इज इक्वल्स टू ओ डैश बी, रेडियस ऑफ सर्कल. या लिख देते हैं कौन सा सर्कल? रेडियस ऑफ सर्कल ओ एंड रेडियस ऑफ सर्कल ओ डैश. दिस इज योर सेकेंड पार्ट. एंड थर्ड पार्ट इज ओ ओ डैश, जो कि कॉमन है इन दोनों ही ट्राइंगल्स के लिए, ऊपर वाले के लिए भी और नीचे वाले के लिए भी. सो ओ ओ डैश जो है वो आपकी एक कॉमन साइड है. सो तीनों ही यहां पर हमने साइड्स ली हैं. दिस इज साइड एंड दिस इज ऑल्सो साइड. सो साइड साइड एंड साइड, और इससे हमें मिल जाता है ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंस का साइड 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 रूल,
जिससे हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए ओ ओ डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ ओ डैश, इस तरीके से। और अब हम सीपीसीटी लगाएंगे, यानी कि कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, और कह सकते हैं सीपीसीटी से कि ये एंगल वन जो है वो इस एंगल टू के बराबर है। तो सीपीसीटी कौन सा एंगल, ए ओ एम, एंगल ए ओ एम इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ एम। मैंने एंगल ए ओ एम को नाम दे दिया है एंगल वन और इसको नाम दे दिया है एंगल टू। तो इसको हम याद रख लेते हैं नंबर फोर, और इस आइडेंटिटी को हम अपने फर्दर प्रूफ में काम में लेंगे। सो हमने प्रूफ कर दिया है दैट एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू। और अब हम दूसरे ट्राइंगल्स की बात करते हैं, से ट्राइंगल ए एम ओ एंड बी एम ओ, यानी कि ये वाले दो ट्राइंगल्स। सो अगेन इन ट्राइंगल ए एम ओ एंड ट्राई एंगल बी एम ओ होल ट्राइंगल, आप इस साइन से और इस साइन से कंफ्यूज ना हो, नेमिंग सेम है ए एम ओ एम ओ, बट दिस इज द साइन ऑफ एंगल एंड दिस इज द साइन ऑफ ट्राई एंगल। सो इन दोनों ट्राइंगल्स में देखते हैं इनको अगेन हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। सो एओ इज इक्वल टू ओबी, एओ आपका बीओ के बराबर है, रेडियस ऑफ सर्कल। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। ओएम जो है कॉमन है, ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एम, कॉमन साइड। नंबर टू, एंड एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू, जो हमने पहले प्रूव किया था। सो एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू, प्रूव अर्लियर। दिस इज योर थर्ड पार्ट। और अब यहां पर जो रूल लग रहा है, दिस इज साइड साइड एंड एंगल, दिस इज साइड एंड एंगल। सो रूल लग गया है साइड एंगल साइड रूल, और इससे हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए एम ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम ओ, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम ओ। और जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, इट मीन्स कि ए एम जो है वो बी एम के बराबर है सीपीसीटी से। सो योर ए एम इज इक्वल्स टू योर बी एम, और ये प्रूव हो गया है हमारा पहला पार्ट, ये वाला ए एम इज इक्वल्स टू बी एम। नाउ योर सेकेंड पार्ट, ये लिख सकते हैं फर्स्ट वन। अब सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है दैट एंगल ए एम ओ जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इट मीन्स सो ए एम ओ इज इक्वल्स टू बी एम ओ, ये वाला जो आपका एंगल है दिस वन। तो लिख देते हैं एंगल ए एम ओ इज इक्वल्स टू एंगल बी एम ओ, और ये भी आपका कॉमन पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी कि सीपीसीटी से। और अब हम यहां पर ध्यान से देखेंगे कि कोर्ड हमारी ए बी एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक लीनियर पेयर बन रहा है, इट मीन्स ये टोटल एंगल जो है दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ, ये हमारा 180 डिग्री के बराबर है, लाइक दिस। इसको इधर ले लेते हैं। अब ए एम ओ प्लस बी एम ओ 180 के बराबर है, और ए एम ओ जो है वो बी एम ओ के बराबर भी है। तो यहां पर बी एम ओ की जगह मैं ए एम ओ पुट कर सकती हूं, तो रख देते हैं ए एम ओ प्लस अगेन एंगल ए एम ओ, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो ए एम ओ प्लस एंगल ए एम ओ हो रहा है आपका, सो इट इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए एम ओ, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड एंगल ए एम ओ 2 का 180 के साथ अब डिवाइड हो जाएगा, सो इट इज 180 अपॉन 2, एंड एंगल ए एम ओ कम्स आउट टू बी 90 डिग्री। और यही हमें यहां पर सेकेंड पार्ट में प्रूव करना था। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स इन दिस देन यू कैन मैसेज मी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।